हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो आज मैं आपको बताऊंगी खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन कभी कभी लो या डीमोटिवेट फील करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है स्टूडेंट्स। तो बिना स्किप करे पूरी देखिएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो हमेशा अपने एम के बारे में सोचते रहे, अपने एम या फिर गोल जो आपने सोचा है उसके बारे में सोचे ताकि आप फोकस्ड रहे। सेकेंडली, आप छोटे छोटे टारगेट्स अपनी लाइफ में अचीव करिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उनको अचीव करिए ताकि आप लाइफ में मोटिवेट रहे। हमेशा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। हमेशा जो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे इंस्पायर हो, ये उनके पोस्टर्स आप अपने टेबल पे चिपका सकते हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आप उनसे इंस्पायर हो और लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोचे। हमेशा अपनी टू डू लिस्ट मैनेज करें और उसको कंप्लीट रखें। हमेशा अपनी डेली की टू डू लिस्ट बनाएं और उसको टिक करते रहे कि आपने ये वर्क कर लिया है, ये आपको करना है। और हमेशा इंस्पायर रहिए दूसरे लोगों से। कभी भी खुद को कंपेयर मत करिए किसी और के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ या फिर किसी के साथ भी खुद को कंपेयर करके बिल्कुल भी उदास मत होइए, क्योंकि हो सकता है उनकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो, आपकी कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स हो। तो बिल्कुल भी आप खुद को कंपेयर नहीं करिएगा। हमेशा अपनी सक्सेस के बारे में इमेजिन करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। यदि हम अपनी सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं और हमारा मन करता है कि हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। हमेशा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है और हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कभी भी मल्टीटास्किंग ना करें, मल्टीटास्किंग से जितना हो बचे। जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी भी तरह का फ़ोन, मोबाइल या टीवी अपने आसपास न देखें जिस टाइम आप पढ़ रहे हो। आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। आप चाहे कम आवर्स भी पढ़े लेकिन फोकस तरीके से पढ़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।